पटना बुधवार की सुबह नेता प्रतिपक्ष ने 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर संवाददाता सम्मेलन कर बीते दिन हुए गोपालगंज के हथुआ में ट्रिपल मर्डर केस को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने लगातार इस मामले में आरोपी जेडीयू विधायक पप्पू पांडे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज संवाददाता सम्मेलन करके गोपालगंज मामले पर सरकार को घेरा। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस में FIR करवाने के बाद भी जेडीयू विधायक की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि विधायक CM के करीबी हैं, इसलिए उसे बचाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कल शाम तक अगर जेडीयू विधायक की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे सभी विधायकों को लेकर गोपालगंज जाएंगे। तेजस्वी ने कहा है कि वो कैसे जाएंगे, वो गुरुवार की शाम को इसको लेकर जानकारी देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार के संरक्षण में विधायक को बचाया जा रहा है, सृजन और बालिका गृह में भी बचाया गया था, मुख्यमंत्री को इसमें आगे आकर बयान देना चाहिए। गंभीर मसला है और एक आध मामले नहीं है। आपने देखा होगा जो हथुआ में जो नरसंहार कराया गया, सत्ताधारी दल के विधायक अमरेंद्र पांडे, उनके द्वारा जो नरसंहार हुआ, कल हम PMCH गए और एकमात्र गवाह ने FIR में और खुद देखा है कि किस प्रकार से अमरेंद्र पांडे, उनके रिश्तेदार, उनके माता पिता की हत्या की और वो खुद घायल हो चुके हैं। हम लोग लगातार सरकार के सामने ये कहते रहे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बिहार में है वो बद से बदतर हो गई। आप देखिएगा पुलिस जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर लीपापोती करने में लगी हुई, उनके इशारे पर पुलिस जो है नज़रबंदी का जो खेल है वो खेल रही है। आश्चर्य की बात है जिसके ऊपर आरोप FIR में दर्ज है और ये हम आरोप नहीं लगा रहे, जो गवाह है, जो घायल है, जिसके परिवार के 3 लोगों की हत्या होगी ये उसने बोला है। अभी तक जो है उस जनता दल यूनाइटेड के विधायक नीतीश कुमार जी के चहेते विधायक अमरेंद्र पांडे की गिरफ्तारी नहीं हुई है और कल वो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार जी के इशारे पे विपक्ष को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसने कहा है कि दिल्ली से पटना ईंट से ईंट बजा देंगे, मतलब ये धमकी किसको दे रहे हैं। और सरकार जो है, पुलिस जो है, उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि उस विधायक की गिरफ्तारी कर पाए। बिहार में जो कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कि हम ना फंसाते हैं ना बचाते हैं, हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, वो ये बताएं कि आपके चहेते विधायक में कोई एक IPC धारा है जो नहीं लगा है, उनकी जो छवि है वो आप कह सकते हैं क्राइम को लगातार जो है बढ़ावा देने का काम किया। कुछ दिन पहले ही अपहरण का जो मामला आया था, कोई भी एक IPC सेक्शन नहीं लगा और जो है सरकार जो है पूरी तरीके से, नीतीश कुमार जी बताएं कि उनको बचाने का काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ये भद्दी मजाक है, नज़रबंद आपने घर पे कर रखा है और आप कहते हैं कि सरकार जो है बचाने का काम नहीं करेगी। इतनी धाराएं उन पे लगी हैं, इस सरकार ने सारे धाराओं को ख़त्म कराने का काम कर लिया है जो उस पर लगा था, उस विधायक पर। ऐसे लोग जो हमको चुनौती दे रहे हैं, और देखिए हम तो सारे नियमों कायदों को मानने वाले लोग हैं। लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन इसलिए किया गया है ताकि लोगों की जान बचाई जाए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के विधायक जो है नरसंहार करके लोगों की हत्या करवा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो लॉकडाउन के आड़ में काफी जो है अपराध का जो मामला है काफी बढ़ोतरी हुई है और हम लोगों को चैलेंज कर, हम लोगों ने सरकार के लोगों को, प्रशासन को, पुलिस को
हमने बोला था कोई बड़ी बात नहीं, पता नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रहा, जाके पकड़ लो। और जो चुनौती वो देने का काम कर रहे हैं नीतीश जी के सारे पे, हम उनसे कहना चाहते हैं, सरकार के लोगों से, कि हमने 2 दिन का वक्त दिया था, 2 दिन का समय दिया था कि विधायक को गिरफ्तार किया जाए, और कल शाम तक अगर विधायक गिरफ्तार नहीं होता है तो हम हमारे पार्टी के सभी विधायक जो हैं पटना से गोपालगंज जाने का काम करेंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका हम लोग पालन भी करेंगे। ये हम लोग सरकार को लोगों से कहना चाहते हैं कि नज़रबंदी का जो ये खेल कर रहे हैं, ये जो बचाने का जो खेल कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे, ये चलने वाला नहीं है, तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और लगातार बिहार में जो है, जब से लॉकडाउन आया है, लॉकडाउन के आर में अपराध का ग्राफ जो है हद से ज़्यादा जो है बढ़ा है। हम लोगों ने 2 महीने लगातार जो है सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया, लेकिन सरकार जो है एक तरह से लगता है कि अपराधियों के लिए लॉकडाउन नहीं बल्कि उनको पूरी आज़ादी है लॉकडाउन का मजाक उड़ाने का, कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाने का। तो एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते अगर जन अधिकार पे खतरा हो, अगर जन सुरक्षा पे खतरा हो, तो हम लोग घरों में बैठेंगे नहीं, बल्कि जनता के प्रति जनता के साथ रह करके उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और संघर्ष करेंगे। और कोई आप लोगों का सवाल इससे जुड़ा हुआ है? देखिए, सुशील कुमार मोदी ने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि जो ट्रेन जी गोपालगंज जाने की बात आप कर रहे हैं लोगों के साथ, वहां जा करके क्या करेंगे और कैसे जाएंगे? कैसे मतलब क्या? अभी देखिए, पहले जो समय हमने दिया है, हालांकि ये जिम्मेदारी तो पुलिस की है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, अगर इसमें नीतीश कुमार जी की भूमिका नहीं है, अगर पुलिस प्रशासन जो है उनको पकड़ना चाहता है तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, जब विधायक जो है खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो, लेकिन अगर विधायक जो है पकड़ नहीं पाएगा, गाड़ी रुकवा दीजिए, रुक नहीं पाएगा, गिरफ्तार नहीं कर पाएगा, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जो है कदम उठाएं और जनता के प्रति जो है जन सुरक्षा का वातावरण बने और जन अधिकार की जहाँ तक बात है हम लोग जो है उनके उम्मीदों पे खड़ा रहे। अब कैसे होगा, क्या होगा, पहले भाई रुक जाइए, पुलिस के अधिकारी आप लोग जो है रुक जाना, बात तो कीजिए, सरकार से सवाल पूछिए। इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है, क्या करेंगे? नरसंहार हो रहा है तो अब तक जो है मुख्यमंत्री जी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, ठीक है लॉकडाउन की वजह से हम जो है फंस गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब बात हो रही थी, हम बोल रहे थे आप बाहर निकलिए, बिहार की स्थिति को देखिए, और अब जो स्थिति बनी हुई है बिहार में, कोरोना से ज़्यादा तो भूखमरी और रोड एक्सीडेंट और जो आप कह सकते हैं क्रिमिनलों ने बिहार के लोगों को जो है मारने का काम किया, तो इस पर ज़्यादा कुछ नहीं, हम जो है अपना कदम जो है आप लोगों को कल बताएंगे, कल शाम तक का वक्त दिया है, लेकिन हमारा संघर्ष रहेगा कि हम सर ऐसा नहीं नहीं इस विषय पे सवाल। देखिए सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया, पहले रुकिए एक मिनट, एक सवाल ले लेने दीजिए। आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी आपसे बात किया था, मुख्यमंत्री ने आपको कहा था कि यदि मैं चलूंगा तो आपको साथ लेके जाऊंगा, तो क्या आप मुख्यमंत्री के साथ बिहार भ्रमण के लिए तैयार है? ये सवाल देखिए लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ, मुख्यमंत्री जी का इतना हमको ले जा रहे, तो हम मेरी बात माने ना, पहले गिरफ्तार करवाए, पहले गिरफ्तार करें ना भाई अपने विधायक को जो अपराधी है, पहले गिरफ्तार करें। और ये तो दीपा पोती वाली बात और मजाक में कोई मुख्यमंत्री कोई बात कहे वो अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री वो है, उनकी जिम्मेदारी है, विपक्ष की तो जिम्मेदारी है वो निभा रहे हैं, जो कमियां हम गिना रहे हैं, लेकिन आप अपने जिम्मेदारियों पर कहाँ खड़े हैं? आप तो एक घर में बैठे हुए, ठीक है लॉकडाउन, लेकिन और बाकी मुख्यमंत्री का क्या था? तो हमको ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करना, सरकार को
और हमारी आला अधिकारियों से भी बात हुई है और हमने उनको भी कहा जानकारी दी। कई लोगों को तो जानकारी नहीं थी कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया विधायकों ने। अब ये क्या बात है, नहीं मसला है, एक तरह से साफ ये बात साफ होता है कि सरकार और नीतीश कुमार जी के संरक्षण में उनके चहेते विधायकों को बचाया जा रहा है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से सृजन घोटाले के चहेते उनके बचाए गए और बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड के चहेते बचाए गए, अब क्या मुख्यमंत्री जी जो इस विधायक को अवार्ड देंगे क्या? ये कहते हैं सुशासन का राज है, तो अपराधी जो है बेलगाम है, तो चुनौती दे रहा है विपक्ष को। तो इस पे मुख्यमंत्री जी आए, स्पष्ट करें, एक्शन करें और ऐसे लोगों को जो है गिरफ्तार करें।